what we have discussed in our last class, short division. And today we are going to start our topic is division. Division. Okay. So अपन ने कल बिल्कुल इजी जो डिवीजन थे वो अपन ने देखे थे, ठीक है. तो आज अपन स्टार्ट करेंगे, तो कल जो डिवीजन किए थे उनसे थोड़े से बड़े डिवीजन, ठीक है. तो देखिए, ये है अपने बुक का एक एग्जांपल. तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो कहेंगे डिविडेंड. क्या कहेंगे? डिविडेंड. इसको तो क्या कहेंगे अपन? डिविडेंड. ओके. और इसको क्या कहेंगे? जिनमें अपन डिवाइड करते हैं उसको तो कहते हैं डिविडेंड. एंड जिसको डिवाइड करते हैं उसे क्या कहेंगे? डिवाइजर. डिवाइजर, ठीक है. और डिवीजन करने के बाद में अपने पास जो आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्वेश्चन. क्या कहेंगे? क्वेश्चन, ठीक है. उसको अपन बाद में देखते हैं. सबसे पहले तो अपन बात करते हैं डिवाइजर एंड डिविडेंड की. डिवाइजर एंड डिविडेंड की, ओके. तो देखिए, 887 में अपने को 19 को डिवाइड करना है. क्या करना है? 19 से डिवाइड करना है. तो देखो, 19 की टेबल स्पीक कीजिए कि 88 आए या फिर 88 से कम आए. क्या करना है अपने को? 19 की टेबल स्पीक करनी है कि या तो 88 आने चाहिए या फिर 88 से कम आने चाहिए. तो चलो 19 की टेबल स्पीक कीजिए. 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, 19 फोर जा 76, 19 फाइव जा 85, ठीक है. और 19 सिक्स जा 94. क्या आएगा? 19 सिक्स जा 104. क्या आएगा? 19 सिक्स जा 104. तो देखिए, 100 जो 4 है वो तो क्या है? 88 से ज़्यादा है. और 85 जो है वो क्या है? 88 से कम है. इसलिए अपन यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 85. क्या राइट करेंगे? 85, ठीक है. 85. अब देखिए, 85 19 की टेबल को कितनी बार स्पीक किया कि 85 है अपने पास? 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, 19 फोर जा 76, 19 फाइव जा 85. कितनी टाइम स्पीक किया? 5 टाइम जब स्पीक किया तो अपने पास 85 आए. अब अपन क्या करेंगे? इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो 8 में 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए. 6 7 8 कितने आए? 3. अब अपन 8 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने आएंगे आंसर? 0, ठीक है. अब देखिए, 19 जो है वो 3 में डिवाइड होता है क्या? नहीं होता. तो क्या करेंगे? यहाँ जो 88 से नेक्स्ट वाले डिजिट को यहाँ पे राइट कर देंगे. क्या करेंगे? 88 से नेक्स्ट वाले डिजिट को क्या करेंगे? यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है. अब देखिए कि 19 की टेबल में 37 आते हैं क्या? या तो 19 की टेबल में 37 आने चाहिए या फिर 37 से कम आने चाहिए. तो देखो, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38 तो 37 से ज़्यादा
ज्यादा हो गया, इसलिए 38 तो अपन राइट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, 19 ही राइट कर देंगे। क्या कर देंगे, 19 ही राइट कर देंगे। ठीक है, कितने टाइम स्पीक किया कि 19 आए, वन टाइम स्पीक किया तब जाके अपने पास 19 आए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 7 में 9 कट होते हैं क्या, 7 में 9 सब्ट्रैक्ट होंगे क्या, नहीं होंगे। तो 7 क्या करेगा, 3 से 1 बोरो ले लेगा, तो 7 क्या बन जाएंगे, 17। और ये 3 क्या बन गया, 2 बन गया, क्योंकि इसने क्या किया, 17 को 1 बोरो दे दिया। देखो ये आपको इधर करके देखते हैं, 37 और 19 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में 9, 7 में 9 कट होंगे क्या, नहीं होंगे। तो 7 क्या करेगा, 3 से 1 बोरो ले लेगा, तो 7 क्या बन जाएंगे, 17। और 7 और ये 3 क्या बन जाएगा, 2, क्योंकि 3 ने क्या किया, 1 इसको बोरो दे दिया, तो इसमें 1 कम हो गया, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए 17 में 9 सब्ट्रैक्ट होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे, कट ये 9 कट करने अपने को, तो 10 से स्टार्ट कर दीजिए काउंटिंग करना, 10 11 12 13 14 15 16 17 17। देखिए कितने कितने बचे हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 अपने पास आंसर आया। अब देखिए 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, कितने बचे हैं, 1 आएंगे। 2 में जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 1। तो अपने पास जो है यहाँ पे आ गया 18। क्या गया बेटा, 18। तो देखिए 18 में 19, अब देखिए 19 की टेबल में 18 आते हैं क्या, नहीं आते, क्योंकि 18 तो जो है वो 19 से बहुत कम है, 1 नंबर कम है ना, और इससे नेक्स्ट वाली डिजिट भी नहीं है कि अपन यहाँ पे राइट कर दे। भाई 7 से आगे अगर कोई डिजिट होती तो अपन क्या करते, यहाँ पे राइट कर देते और उसके बाद इसको डिवाइड कर देते, बट कोई डिजिट नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। बट ये जो लास्ट में अपने पास जो डिजिट बच गई उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे रिमाइंडर। क्या कहेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको, रिमाइंडर। ठीक है, और अपने पास जो फाइनल आंसर आया उसको अपन क्या कहेंगे, क्वेश्चन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए डिवाइजर, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको तो क्या कहेंगे, डिविडेंड। क्या कहेंगे, डिविडेंड। एंड जिसको डिवाइड करते हैं उसे क्या कहेंगे, डिवाइजर। एंड आंसर जो डिवीजन करने के बाद में अपने पास जो आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे, क्वोशेंट। एंड जो नीचे अपने पास सब्ट्रैक्शन करने के बाद में जो डिजिट बच गई उसे क्या कहेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंड डिजिट को क्या कहेंगे, रिमाइंडर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड करेंगे 23 को। क्या करेंगे, 1056 में 23 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कीजिए, 23 की टेबल को इतनी टाइम स्पीक करनी है कि अपने पास 105 आए, या तो 105 आए या फिर 105 से कम आए। अब देखो अगर 10 से अपन डिवाइड करें तो 10 तो क्या है, 23 से बहुत छोटी डिजिट है, बहुत स्मॉल डिजिट है, इसलिए क्या करेंगे, 105 से डिवाइड करेंगे। 105 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब अपन इस डिजिट में जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो डिजिट होती है इससे बड़ी डिजिट में ही अपन डिवाइड कर सकते हैं, कभी भी इससे छोटी डिजिट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए 18 था और यहाँ पे 19 था, तो 18 क्या था, 19 से स्मॉल था, इसलिए ये यहाँ पे जो है डिविजन नहीं हुआ। बट ये 105 है,
इसमें डिवीजन हो जाएगा, 10 में डिवीजन नहीं होगा। तो 23 की टेबल को स्पीक करते हैं। चलो 23 बन जा 23, 23 टू जा 46, 23 थ्री जा 89, 23 फोर जा 112। अब देखिए 1 जा 23, 2 जा 46, 3 जा 89, 4 जा 112, 112। तो 112 जो है वो तो 105 से बहुत बड़ी डिजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं अपन, 83, क्योंकि 83 क्या है, 105 से स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपन, 83। 23 की टेबल को कितने टाइम स्पीक किया कि अपने पास 89 आए, सॉरी 89 ना, 83 नहीं 89। तो बताइए 23 की टेबल को कितने टाइम स्पीक किया कि अपने पास 89 आए, अपन ने 3 टाइम स्पीक किया तब अपने पास 89 आए। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो देखिए 5 में 9 कट होंगे क्या, नहीं होंगे, तो 5 क्या करेगा, 10 से 1 बोरो ले लेगा, तो ये 5 क्या बन जाएंगे, 15, और ये 10 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब देखिए 15 में 9 कट हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने आए, 6, कितने आए, 6। 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर कितना आएगा, 1, कितना आएगा आंसर, 1। अब देखिए 16 में 23 डिवाइड हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इसे नेक्स्ट वाले डिजिट को यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। अब 166 जो है वो 23 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो 23 की टेबल अपने को स्पीक करनी है कि 166 आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 23 वन जा 23, 23 टू जा 46, 23 थ्री जा 89, 23 फोर जा 112, एंड 23 फाइव जा 135। ठीक है, एंड 23 सिक्स जा 158, 23 सेवन जा 181। ठीक है, अब देखो 7 जा में 181 ज्यादा आ रहे हैं 66 से, 166 से 181 क्या है, ज्यादा है, तो अपने को कौन सी डिजिट स्पीक, कौन सी डिजिट राइट करनी है जो 166 से कम हो। तो 158 क्या है, इससे कम है, तो अपन यह क्या राइट कर देंगे, 158। 23 की टेबल को कितने टाइम स्पीक किया कि 158 आए, अपन ने स्पीक किया 6 टाइम। ठीक है, 23 जो है 166 में 6 टाइम डिवाइड होंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, इनका सबट्रैक्शन करेंगे, 6 में 8 को सबट्रैक्ट कीजिए, 6 में जो है 8 सबट्रैक्ट हो जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे, तो 6 क्या करेगा, अपनी नेक्स्ट वाले डिजिट से बोरो ले लेगा, तो क्या बन जाएंगे, 16। अब 16 में 8 कट हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने आए अपने पास, 8। ठीक है, 6 क्या बन गया, 5, क्योंकि 6 ने क्या किया, इसको 1 बोरो दे दिया, तो ये बन गया 5। 5 में 5 कट करेंगे तो 0, 1 में 1 कट करेंगे तो 0, अपने पास जो है 8 आ गया। अब 23 जो है, 8 जो है वो 23 से बहुत स्मॉल डिजिट है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसे तो क्या कहेंगे, रिमाइंडर, इसे क्या कहेंगे, डिविडेंड, और इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, तो ये क्या है, डिवाइडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर। ओके, इस तरीके से अपन जो है डिवीजन कर सकते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।